प्रियंका पुष्कर को लेकर उस हॉट स्प्रिंग में आई थी तब पुष्कर को महसूस हुआ था कि इस जगह में कुछ खास बात थी और यहाँ पर वो अपनी शक्तियों को बहुत आसानी से ऊंचे लेवल पर ले जा सकता था। और इन शक्तियों की बदौलत ही पुष्कर उस गर्म पानी के अंदर कुछ घंटे बिताने के बाद होश में आ गया था। अब जब पुष्कर को मौका मिला था तो वो नीचे आकर इन्वेस्टिगेट करने लगा था। पुष्कर को पानी में तैरते हुए अचानक पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखा, लेकिन उस पत्थर के ऊपर काई जम चुकी थी और उस काई में से कई सारे चमकीले पत्थर उग रहे थे। पुष्कर ने सोचा, क्या ये सभी चमकदार मोती हैं? इनके तो बहुत अच्छे हथियार बनाए जा सकते हैं। पुष्कर ने देखा कि जिस तरह की शक्तियों की वह नॉर्मली उपासना किया करता था, यहाँ की शक्तियां उनके मुकाबले बहुत अलग थी। पुष्कर ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे हिमालय की चोटियों में एक झरने के नीचे ऐसी कोई कीमती चीज मिल जाएगी। प्रियंका ने आखिरकार पुष्कर की तरह इधर उधर देखना शुरू किया और उसे भी वो खूबसूरत चमकदार पत्थर दिखे और वो खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चलो पुष्कर, जल्दी से हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। पुष्कर ने कहा, लगता है तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं। पुष्कर मुस्कुराया और उसने चुपचाप अपने जादुई भाले से उन सभी चमकीले पत्थरों को तोड़कर निकाल दिया। प्रियंका ने अजीब तरीके से पूछा, टोटल कितने पत्थर हैं? क्या तुम सभी को ले लोगे? पुष्कर ने कहा, नहीं नहीं, जो मैंने निकाल लिए हैं वही काफी हैं। तुम इन्हें अपने पास रख लो, अभी भी कुछ कीमती पत्थर बाकी हैं और ये धीरे धीरे एनर्जी सोखकर बड़े हो जाएंगे। अगर आज के बाद यहां कोई आएगा तो वो यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये सुनकर ना जाने क्यों प्रियंका के दिल में घबराहट सी हुई और वो तुरंत पुष्कर के गले से लिपट गई। प्रियंका सोचने लगी, पुष्कर का नेचर तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और ये कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर के दिल में इस तरह के खजाने के लिए भी कोई एप्रिसिएशन होगी। मुझे समझ नहीं आता कि पुष्कर की असली पर्सनैलिटी क्या है। पुष्कर ने भी प्रियंका को गले से लगा लिया और आगे तैरता गया। अचानक ही पुष्कर ने अपने सामने कुछ देखा तो वो तुरंत रुक गया। पुष्कर के सामने बहुत ही प्राचीन तांबे का बना हुआ दरवाजा था और उस दरवाजे के ऊपर एक बड़े से शेर के मुंह का डिजाइन बना हुआ था और शेर के मुंह में उस दरवाजे को खटखटाने के लिए गोल लोहे के टुकड़े लटकाए गए थे। यह प्राचीन गेट लगभग 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा रहा होगा जिसके दोनों दरवाजे बंद थे। प्रियंका ने कहा, पुष्कर, पानी के नीचे इतना बड़ा तांबे का दरवाजा कैसे आ गया? मुझे तो अंदर से रोशनी आती हुई दिख रही है। जब प्रियंका ने उस बड़े से दरवाजे को देखा तो उसके दिल में एक कंपन हुआ और वो बोली, जरूर दरवाजे के अंदर कुछ बहुत ही खौफनाक चीज रहती होगी। पुष्कर ने कहा, शायद प्राचीन काल के लोगों ने इसे हम लोगों के लिए छोड़ा हो। देखो, दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी सील भी लगी हुई है, लेकिन ये इतनी गल चुकी है कि इसे पहचान पाना भी मुश्किल है। तुम टेंशन मत लो, हम अंदर नहीं जाएंगे। पुष्कर वहां से आगे नहीं बढ़ा। अगर पुष्कर अकेला आया होता तो वो जरूर दरवाजे के अंदर जाता और पता लगाता कि अंदर क्या था, लेकिन पुष्कर इस वक्त प्रियंका के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि दरवाजे के दोनों पल्लों के बीच में प्राचीन काल की सील लगी हुई थी। वो सील देखने में बहुत ही अजीब थी और उसकी शक्तियां किसी मामूली जादुई हथियार के मुकाबले बहुत ही अलग थी। हालांकि उस सील का 80% हिस्सा तो अपने आप ही गल चुका था और दरवाजे के बीच में से अंदर तेल से जल रहे दियों की रोशनी आ रही थी। पुष्कर को लगा कि शायद उन दरवाजों के पीछे इनफाइनाइट मैजिकल पावर्स छुपी हुई थी जो कि आम लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन पुष्कर इस लालच में नहीं पड़ा। वो तुरंत उस हॉल में कोई खजाना ढूंढने लगा, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे वहां कुछ नहीं मिला। हालांकि प्रियंका डर गई थी क्योंकि उसकी खुशबू सूंघकर दो स्नो मॉन्स्टर्स उसके पीछे पीछे आने लगे थे। पुष्कर ने तेजी दिखाते हुए दो लातों में ही उन दोनों का काम खत्म कर दिया और फिर वो दोनों तैरते हुए वापस उस हॉट स्प्रिंग के ऊपर आ गए। पुष्कर ने अंदर पानी के नीचे से निकाली गई सभी कीमती चीजें अपनी हथेली में संभाल कर रख ली और फिर वो बोला, चलो वापस चलते हैं। पुष्कर की हथेली में उन सभी चीजों को स्टोर होते हुए देखकर प्रियंका हैरान रह गई। वो पुष्कर से इस बारे में पूछना चाहती थी लेकिन वो रुक गई। पुष्कर ने प्रियंका को अपने गले से चिपका लिया और लंबी लंबी छलांग मारकर पहाड़ी के ऊपर जाने लगा। पुष्कर एक एक छलांग में 100 मीटर की दूरी पार कर रहा था। प्रियंका ने जब पुष्कर को इस तरह कूदते हुए देखा तो उसे बहुत ज्यादा अजीब फील हुआ। प्रियंका चाहती थी कि पुष्कर उसे भी तंत्र विद्या और मेडिटेशन की ट्रेनिंग दे दे और पुष्कर तो प्रियंका को वैसे ही बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं तुरंत मान गया। और वैसे भी पुष्कर जानता था कि नाग देवता प्रियंका को भी ये शक्तियां जरूर देंगे। इस टाइम प्रियंका को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ट्रैम्पोलिन के ऊपर उछल रही हो। प्रियंका इतनी खुश थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रियंका बोली, पुष्कर,
हमारे सामने भूत भी नाच रहा है, थोड़ा ध्यान से। प्रियंका को याद था कि कैसे उसके ऊपर भी कई सारे भूतों ने हमला कर दिया था। जैसे वह भूतिया आत्मा पुष्कर और प्रियंका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो पुष्कर ने भूत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी एक उंगली के झटके से ही उस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। ये बर्फीली घाटी जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी थी, इसका मतलब था कि केवल पुष्कर जैसा कोई शक्तिशाली योद्धा ही इतनी आसानी से इन सब मुश्किलों से लड़ सकता था। पुष्कर जब काफी देर तक लंबी लंबी छलांग लगाता रहा तब जाकर वे आखिरकार ऊपर एक चौड़ी जगह पर पहुंच गए। पुष्कर ने प्रियंका को गले से लगाया और आखिरकार खुद एक बड़ी सी चट्टान पर खड़ा हो गया और फिर उसने प्रियंका को नीचे उतार दिया। प्रियंका ने पुष्कर का हाथ पकड़कर कहा, अरे अब तुम ऊपर पहुंच गए, ये तो वही जगह है जहां रेस्क्यू टीम भी आई थी। वो देखो, वहां पर उन्होंने आग जलाकर छोड़ दी थी। इससे आगे हमें थोड़ा ही ऊपर जाना होगा और फिर हम शहर में पहुंच जाएंगे। प्रियंका काफी देर तक खुश होकर तालियां बजाती रही। वो भूल ही गई थी कि उसके ऊपर का शरीर पूरी तरह से खुला हुआ था। पुष्कर ने तुरंत अपनी हथेली में से नए कपड़े निकाले और प्रियंका को देते हुए कहा, अब हम लोग शहर में जाने वाले तो तुम ये कपड़े पहन लो ताकि हम आसानी से लोगों के बीच में घूम सकें। प्रियंका ने तुरंत हैरान होते हुए कहा, तुम्हारे पास ये कपड़े कहां से आए? क्या तुम अपनी हथेली में किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकते हो? प्रियंका ने वो कपड़े लिए और अचानक ही कुछ सोचने लगी। तभी प्रियंका को बहुत शर्म आने लगी और वो गुस्से से बोली, अगर तुम्हारे पास ये कपड़े पहले रखे हुए थे तो तुम अब क्यों निकाल रहे हो? प्रियंका सोचने लगी कि पुष्कर के पास पहले से ही कपड़े थे लेकिन उसने मुझे नहीं दिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि उसने हॉट स्प्रिंग में जानबूझकर मुझे चेकआउट करने के लिए कपड़े नहीं दिए। फिर पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली बात यह है कि मुझे तो तुम्हारे इस वाले फैशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बाहर के लोग बहुत नैरो माइंडेड है, इसलिए तुम ये कपड़े पहन लो। प्रियंका ने कपड़े बदलते हुए कहा, तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, मैंने तुमसे बड़ा बेशर्म आदमी आज तक नहीं देखा, अब तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे कपड़े बदलने, तुम पीछे मुड़ो, ऐसी आंखें छुपाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम उंगलियों के बीच में से देख रहे हो? इतने भी स्मार्ट नहीं हो तुम, ठीक है? उस छोटे से पहाड़ी शहर में कई सारे लोग लंबी लंबी सड़कों पर पैदल आ जा रहे थे। चारों तरफ मंदिर की घाटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और पूजा पाठ का माहौल था। यहाँ का आर्किटेक्चर, रीति रिवाज और खरीदे बेचे जाने वाले सामान सब कुछ बहुत ही यूनिक था जिसकी वजह से कई लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पुष्कर और प्रियंका भी एक मार्केट के चौराहे पर पहुंच गए। प्रियंका ने अपने लंबे बाल बांध लिए, वो पुष्कर की सफेद शर्ट पहने हुए थी जो उसके शरीर के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी लेकिन वो उसके खूबसूरत शरीर पर बहुत अच्छी लग रही थी और उसका वो स्टाइल बहुत ही मॉडर्न लग रहा था। प्रियंका ने आदमियों के कपड़े अपनी जिंदगी में पहली बार पहने थे और इसलिए उसके चेहरे पर पूरे रास्ते एक लाली सी छाई हुई थी। जब प्रियंका ने इतने सारे लोगों को आते जाते हुए देखा तो वो भी आगे बढ़कर लोगों से बातचीत करना चाहती थी लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा था। इतने सालों तक अकेले रहने की वजह से प्रियंका को अनजान लोगों से बातचीत करने में थोड़ी परेशानी होती थी। पुष्कर ने प्रियंका का छोटा सा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, मेरा हाथ पकड़कर चलो, तुम कहीं खो ना जाओ। प्रियंका गहरी खाई में बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई थी क्योंकि वहां पर केवल पुष्कर और प्रियंका ही मौजूद थे लेकिन अब प्रियंका जब इतने सारे अनजान लोगों के चेहरे देख रही थी तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। हालांकि प्रियंका थोड़ी अनकंफर्टेबल थी लेकिन उसे पुष्कर का हाथ पकड़कर चलने में बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए वो लोगों की परवाह करके पुष्कर का हाथ छोड़ने वाली नहीं थी। प्रियंका पुष्कर के लंबे बालों को देखते हुए बोली, पुष्कर क्या तुम अपने बाल कटवाओगे या नहीं? पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। पुष्कर को तो वैसे बालों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन प्रियंका को ऐसे लड़के पसंद थे जो थोड़े साफ सुथरे दिखते थे इसलिए पुष्कर ने अपने लंबे बाल कटवाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें धोने में भी उसे काफी दिक्कत हो रही थी। प्रियंका और पुष्कर पास ही एक बार्बर शॉप में घुस गए और उन्होंने देखा कि बार्बर बहुत ज्यादा बिजी था लेकिन एक सीट खाली थी। प्रियंका ने शॉप के ओनर को हेलो कहा और पुष्कर को चेयर पर बैठाकर बोली, चलो आज तुम्हारे बाल मैं काट देती हूँ। पुष्कर ने शीशे में प्रियंका को देखा जो बहुत ज्यादा हंस रही थी। वो बोला, क्या तुम्हें बाल काटने आते हैं? प्रियंका ने जवाब दिया, मैंने बहुत लंबे समय तक एक डॉगी पाला था और उसके बाल मैं ही काटती थी। प्रियंका ने तुरंत सीजर्स उठा ली। इस वक्त पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोना चाहिए या हंसना।
प्रियंका जो कि कुत्तों के बाल काटती थी अब पुष्कर के बाल काटने वाली थी। तभी बार्बर ने कहा, अरे दोस्तों तुम कपड़ा तो लगा दो। बार्बर ने कपड़े के एक टुकड़े की ओर इशारा किया और पुष्कर को इशारे से बताया कि उसे अपने गले में लपेट ले। तब जाकर प्रियंका को अचानक ख्याल आया और उसने अपनी जीभ निकालते हुए तुरंत पुष्कर के गले में कपड़ा बांध दिया और फिर खुद को शीशे में देखने लगी और दोबारा हंसने लगी। प्रियंका ने तेजी से सीजर्स चलाई और पुष्कर के लंबे बाल काट दिए। प्रियंका बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश महसूस कर रही थी, जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं महसूस किया था। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, आप कैसे लग रहे हैं? तुम्हारे बाल ठीक तो काट रही हूं ना मैं? प्रियंका एक छोटी बच्ची में तब्दील हो गई थी, जैसे वो अभी बड़ी ही ना हुई हो, और उसे शरारत करने में बहुत मजा आ रहा था। पुष्कर की तो हालत ही खराब थी और वह बोला, तुम पहली बार बाल काट रही हो तो मैं क्या कह सकता हूं? सच तो यह था कि पुष्कर को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी गर्दन नीचे थी और उसकी आंखों के सामने उसके घने लंबे बाल थे। पुष्कर के कानों में प्रियंका की हंसी और कैंची की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी पुष्कर को फिर से एक बार उसी तांबे के बने बड़े दरवाजे का ख्याल आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे नाग देवता उसे कुछ बताना चाहते थे। पुष्कर को वो दरवाजा बड़ा ही सस्पिशियस लग रहा था, मानो उस दरवाजे के पीछे कोई दूसरी दुनिया छुपी हुई हो। आखिर क्या था उस प्राचीन दरवाजे के अंदर? क्या प्रियंका और पुष्कर की ये दोस्ती टिक पाएगी? डार्कलिस्ट वाले कहां हैं? क्या वो अभी भी पुष्कर प्रियंका को ढूंढ रहे हैं? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।